जयपुर की, जहां राज्य सरकार इस बार राजोत्सव को पिछले 15 सालों से चले आ रहे पारंपरिक ढंग से अलग मनाने की तैयारी में है। जी हां, इस बार राजोत्सव में कोई बॉलीवुड का सितारा नहीं, बल्कि प्रदेश के बस्तर, सरगुजा, जशपुर, मढ़िया और सरगुजा के आदिवासी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मंत्री कवासी लखमा ने राजोत्सव को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के हिसाब से 15 साल बाद बस रिहा, सरगुजीहा और अंचल के दूरस्थ क्षेत्रों के लोक कलाकार राजोत्सव का मंच अपने हिसाब से सजाएंगे। इन्हें ही गर्मी माए मंच में मौका देंगे और इनाम भी। विज्ञान महाविद्यालय के खेल मैदान पर एक नंबर से शुरू हो रहे राजोत्सव का शुभारंभ करने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी रायपुर आएंगे। सूत्रों के मुताबिक उनके आगमन से पहले दिल्ली से विशेष सुरक्षा दस्ता 30 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेगा। 3 दिन का कार्यक्रम लोक कलाकारों का रहेगा। जलवा इधर संस्कृति विभाग द्वारा राजोत्सव को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार अलग अलग दिन राजोत्सव के मंच पर कार्यक्रम का जो ब्योरा बनाया जा रहा है, उसमें सरगुजा, बस्तर, मैदानी इलाके से आए लोक कलाकारों को रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक राउत नाचा, पंथी नृत्य, करमा, सुआ, ददरिया के अलावा बस्तर अंचल के माढ़िया नृत्य का आनंद दर्शक उठा पाएंगे। जी हाँ, इसके अलावा सरहुल नृत्य शामिल रहेगा। प्रोग्राम की खास बात यह होगी कि बाहर से एक भी कलाकार राजोत्सव में नहीं बुलाया जाएगा। प्रोग्राम शेड्यूल की घोषणा 1-2 दिन में की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।